और अब बात झारखंड के मुख्यमंत्री की। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुशी जताई है। वहीं कल्पना सोरेन ने पूछा है कि हेमंत जी के 5 महीने कौन वापस ला कर देगा। सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका की खारिज। हाई कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार। हेमंत के जमानत के खिलाफ थी याचिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को तर्कपूर्ण बताया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम हेमंत सोरेन ने खुशी जताई है। वहीं कल्पना सोरेन ने पूछा है कि हेमंत सोरेन ने 5 महीने जेल में गुजारे, उसका हिसाब कौन देगा। शायद हमारा वो कीमती वक्त ये लोग जाया ना करते तो आज के दिन में अनगिनत समस्याओं का समाधान हो चुका होगा। और न्यायालय सर्वोपरि है इस लोकतंत्र के। ये वो स्तंभ है जहां मैं समझता हूं कि अंधकार नहीं है। सत्य की जीत हुई है, लेकिन मेरा सवाल यही रहेगा कि हेमंत जी के 5 महीने कौन वापस आते, मेरा सबसे बड़ा सवाल है। जमीन घोटाला मामले में हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत मिली है और इसी के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर विरोधियों को फंसाने का आरोप लगाया है। राज्य को डिस्टेबलाइज करने का कोशिश भाजपा की सरकार अन्य एजेंसीज को यूज करके कर रही है। उन्होंने यही काम आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ किया, आलमगीर जी के साथ उसी तरह की बात हुई है। और न्याय और सत्य उसको कोई नहीं बदल सकता है, आने वाले समय में सच्चाई सबके सामने होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर मुहर लगा दी कि भारतीय जनता पार्टी विरोधियों के विरोध में साजिश रचती है, विरोधी सरकार को डिस्टर्ब करती है, रोड़ा डालती है, और वो आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट की टिप्पणियों का ट्रायल पर कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने भी स्वागत किया है कि भाई कोर्ट ने जो भी न्याय का लिए जो भी किया है हम लोगों ने उसका सम्मान किया है। पहले उनको न्यायिक हिरासत में भेजा भी था न्यायालय ने, हम लोग भी सम्मान कर रहे थे, तब भी उनको कह रहा था कि भाई बीजेपी ने अंदर डाल दिया। फिर न्यायालय ने उनको जमानत दी, हम लोगों ने उसका सम्मान किया, तब नहीं कहेंगे बीजेपी ने बाहर निकाल दिया। डालने में बीजेपी का नाम, निकालने में बीजेपी का नाम, ये जो है उनकी राजनीति है। हम लोगों का सीधा कहना है कि देश के अंदर संविधान है, संविधान के अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, तीनों मिलकर के बढ़िया से काम कर रहे हैं, कोई खतरा कहीं नहीं है। लेकिन जो ये जब से मोदी जी सरकार में आए हैं ये नैरेटिव गढ़ने के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि जीत के नहीं आ पा रहे हैं, तो भाई संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। आज उनको इस बात के लिए एहसास होना चाहिए कि देश का संविधान और लोकतंत्र सब बचा हुआ है और सब चीज ठीक ठाक चल रहा है। बड़गाई जमीन घोटाले में ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, लेकिन करीब 5 महीने बाद झारखंड हाई कोर्ट ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को फिर झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की जमानत देने के आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश, बिपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में 2 महीने के भीतर पेसा नियमावली लागू करने के आदेश दिए हैं। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पेसा कानून नहीं लागू होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही राज्य सरकार को 2 महीने में पेसा नियमावली को अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। अब तक राज्य में पेसा नियमावली कानून नहीं होने पर ये नाराजगी थी। पेसा नियमावली पर झारखंड हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश देखने को मिला है। 2 महीने में राज्य में लागू हो पेसा नियमावली।
आदिवासी बुद्धिजीवी पर भी है बात। और देखिए अब तक राज्यों में पैसा नियमावली लागू नहीं होने पर यह नाराजगी है। 24 वर्षों में जो राज्य में चल रहा है कि सारे अधिकार बीडीओ सीओ के पास होते हैं या निम्न स्तर के उच्च स्तर के अधिकारियों के पास होते हैं, तो ये व्यवस्था जो है चल रही थी और पेशा कानून लागू होने के बावजूद 73वां संशोधन जो संविधान का हुआ उसके बावजूद जो आदिवासी रीति रिवाज है उनके अनुसार और जो पारंपरिक प्रधान होते हैं विभिन्न आदिवासी समुदायों के उनको अधिकार मिले, पेशा नियमावली नहीं बनी थी, इस वजह से पीआईएल दायर हुआ था। और माननीय न्यायालय ने सभी बिंदुओं पर गौर करते हुए आज एक स्पष्ट आदेश पारित किया है और इन बिंदुओं की भी चर्चा की है कि राज्य में 30 वर्ष से अधिक हो गए पेशा नियमावली नहीं बनी और राज्य के लोगों को उनका जो है स्वास्थ्य अधिकार नहीं मिला है, तो राज्य सरकार को एक आदेश दिया गया है कि आगामी 2 माह के भीतर पेशा नियमावली राज्य सरकार लागू करे। यह स्पष्ट मैंडमस इशू हुई है और मैं समझता हूं कि ये हर्ष का विषय है संपूर्ण राज्यवासियों। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता आयुष जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आयुष, झारखंड हाईकोर्ट आज पेशा नियमावली को लेकर सख्त नजर आया और एक कड़ी टिप्पणी कर दी है। राज्य में 2 महीने के भीतर पेशा नियमावली लागू करने के सीधे आदेश दे दिए गए हैं। सुनता, देखिए झारखंड हित में या कहें जो झारखंड के जो मूलवासी हैं आदिवासी हैं उनके हित में झारखंड हाईकोर्ट का न सिर्फ टिप्पणी बल्कि एक बड़ा फैसला है। क्योंकि देखिए पेशा कानून ऐसे है कि जो 5वीं अनुसूची है उसके तहत जो संविधान के 73वें जो वो संशोधन किया गया उसमें पेशा कानून को लागू करने के जो है ये पूरी तरह से जो कवायद की गई। लेकिन बता दें आपको कि जो 30 साल इसके बीत चुके हैं जो नियमावली आई है उसके बाद राज्य गठन के 24 साल हो चुके हैं लेकिन यह लागू नहीं हो सका है। झारखंड में आपको बता दें कि जो लगभग 13 जिले कह सकते हैं कि जो आदिवासी बहुल है और मैं बारी बारी से इनका नाम भी आपको गिना दूं कि इसमें पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राजधानी रांची, साहेबगंज, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला शामिल है। मतलब ये 13 जिलों में जो वहां के ग्रामीण है जो गाँव के लोग हैं उनको उनका स्वायत्त अधिकार मिलेगा। आप उदाहरण के तौर पे आप समझ लिए कि जो वहाँ की खनिज संपदाएं हैं जैसे बालूघाट है या फिर जो भी प्रशासनिक स्तर पे जो चीजें अभी चली आ रही हैं वो सीधे ग्राम सभा के अधिकार में वो चला जाएगा, वहां के लोकल को सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसा फैसला हाईकोर्ट ने दिया है, यह सरकार को साफ तौर पे निर्देश है कि ये 2 माह के भीतर लागू किया जाए। हालांकि सरकार के द्वारा यह जो अदालत को बताया गया है कि इसको इससे संबंधित जो ड्राफ्ट है जो नियमावली है वो बनकर तैयार है, ये लागू करने में सरकार इसलिए अग्रसर होगी। अब देखना होगा चूंकि देखिए इसकी सुनवाई जो लगभग है साल 2021 से चल रही थी, बुद्धिजीवी मंच साल 2021 में समेत 2 अन्य लोग जो है रिट याचिका दाखिल करते हैं, उस समय जो चीफ जस्टिस का बेंच जो है इस पर सुनवाई कर रहा होता है। लेकिन आपको बता दी जो फैसला जो आया है वो एक्टिव चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने दिया है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया है। अब ये देखना होगा कि सरकार इसे लागू करती है या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। अगर ये लागू होता है तो साफ तौर पर 13 जिलों में जिसमें राजधानी रांची भी शामिल है वो 13 जिलों के जो लोग हैं जो ग्रामीण है उन्हें सीधे उसका अधिकार मिलेगा। आपको ये भी याद दिला दूं कि महज कुछ वर्ष ही हुए हैं, कुछ दिन हुए हैं माफ कीजिएगा, आप जो पंचायत जो चुनाव हुए हैं उसमें भी पेशा कानून के तहत ये चुनाव कराना था, चूंकि ये पेशा कानून लागू नहीं था तो ऐसे में आगामी जब चुनाव होंगे पंचायत चुनाव होंगे तब ये अगर ये पेशा कानून लागू होकर ये तमाम चीजें होती हैं तो उसका लाभ सीधे मिलेगा। सुष्मिता, बिल्कुल आयुष, ऐसा लग रहा है अब पेशा कानून यदि लागू हुआ तो इसका सीधा लाभ जो है वो आम जनता को मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 2 महीने के भीतर पेशा नियमावली लागू करने के आदेश दे दिए हैं जिसका सीधा लाभ वहां के लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।